देखो उसी का एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला इनटू कॉम्प्लेक्स फार्मूला। जैसे ये दिया है PtCl4.6NH3, PtCl4.5NH3, PtCl4.4NH3। तो हम लोग इसको, ये मॉलिकुलर फार्मूला है, इसको कॉम्प्लेक्स फार्मूला में कैसे बनाएंगे ये देखना बहुत ही आसान होता है। चार पॉइंट हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेटल का क्या निकालेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक। मेटल का जब ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल जाएगा, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें अभी बताया हूँ पूरी टेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिल जाएगा टेबल से, ठीक। अब क्या करेंगे, तीसरा डॉट के बाद लिखे लोगों को, ठीक। डॉट के बाद लिखे लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चौथा पॉइंट, उतने ही लोग अंदर लिखे जाएंगे, उतने ही लोग ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, उतने ही लोग ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे जितना इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन, जैसे हम लोग वन बाय वन करते हैं, पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, X+4 × −1, इसका तो जीरो होता है, ठीक है ना। X−4 = 0, तो X = 4, +4 आ गया। तो बताना Pt+4 में ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बेटा, 6, पत्नी, याद आ रहा होगा पत्नी। तो अब अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिल गया, अब डॉट के बाद लिखे लोगों को, अब बताओ ये Pt है, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट के बाद क्या लिखा है, अमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो डॉट के बाद लिखे लोगों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो 6 पूरे के पूरे अमोनिया आ गई। अब यानी बाहर हम लोग किसको लिखेंगे, Cl4। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फार्मूला बन गया। दूसरे में भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी क्या है बेटा, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, Pt, अब ब्रैकेट के अंदर डॉट के बाद लिखे लोगों को सबसे पहले लिखते हैं, डॉट के बाद 5 अमोनिया है, तो हमने लिखा अमोनिया 5। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही लोग लिखे जाएंगे, यहाँ पे 5। अब हम लोग 1 क्लोरीन को अंदर और लिखेंगे, और 3 क्लोरीन बाहर जो है, ठीक। तीसरा क्या है बेटा, यहाँ भी +4 है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। तो हमने क्या किया, Pt NH3, अमोनिया कितना है बेटा, 4 4 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे कितने लोग अभी अंदर लिखे जा सकते हैं, 2 लोग, यानी Cl2, 2 Cl बाहर। अब आप चेक कर लीजिए, ऐसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर = 6 × Density 1, ठीक, ब्रैकेट के बाहर से मतलब नहीं होता है। अब यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कर लीजिए, 5 × 1 + 1 × 1 = 6, यहाँ भी 4 × 1 + 2 × 1 = 6। तो आप जो है ऐसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो है बाई डेंटेट लिगेंड होते हैं जो, जैसे CN, NC, CNS, NC,
ठीक है ना, इसको हम लोग यानी एक से अटैच होंगे एक फ्री होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाई डेंटेट लिए गए। एक होते हैं फ्लेक्सी डेंटेट, फ्लेक्सी डेंटेट वो होते हैं बेटा मोनो डेंटेट को छोड़ के जो बच गए सारे के सारे फ्लेक्सी डेंटेट होते हैं, मोनो डेंटेट को छोड़ के इतना ही रखते हैं, ये बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं जो है टी टू जी ई जी बहुत ही आसान तरीके से उसको भी करा दूंगा, और इसकी इस बार क्वेश्चन पूरा टी टू जी ई जी से आ सकता है या फिर एक क्वेश्चन 100% है आएगा आपके आई यू पी एस सी नेमिंग से। आई यू पी एस सी नेमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी लगती है लोगों को लेकिन बहुत आसान है जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे। और हम ऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से शुरुआत करेंगे, फिर रेडिकल, देन कार्बोकेटाइन कार्बन आयन पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, रिजोनेंस पढ़ेंगे, मेटामेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सब कुछ पढ़ेंगे। वन बाई वन लेक्चर अपलोड होगा, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो भी ट्रिक थोड़ी बहुत होगी मेरे पास मैं उसको भी अपलोड करता रहूँगा, प्लस बायो के भी कोश पूरा पूरा लेक्चर अपलोड करूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक, थैंक यू।